टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें, एमआईएम पार्टी का भिवंडी शहर के अशोका होटल में एक मीटिंग रखी गई थी और इस मीटिंग में जो है गफ्फार कादरी, फैयाज अहमद और सैफ पठान और नगर सेवक शाह आलम भी मौजूद थे। दरअसल बात ये हुई उस मीटिंग के दौरान कि वहाँ भिवंडी शहर के कुछ पत्रकार जो है एमआईएम पार्टी से नाराज हो गए और एमआईएम पार्टी का बहिष्कार करने लगे। काफ़ी हंगामा जो है उस दौरान हुआ और ये हंगामा क्यों हुआ इसकी जानकारी हम कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष जो सैफ पठान है वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है और नगर सेवक शाह आलम भी मौजूद हैं। दरअसल भिवंडी के अशोका होटल में हुआ क्या था, पूरा मामला है क्या, हम उन्हीं से जानते हैं। सैफ भाई, भिवंडी के अशोका होटल में आज जिस तरह से ये बात सामने आई कि भिवंडी के सारे पत्रकार एमआईएम पार्टी का बहिष्कार करने लगे, तो आखिर क्या हुआ था वहाँ पर? जी नहीं, ऐसा बहिष्कार तो नहीं हुआ, वहाँ पर कुछ सवाल जवाब चालू थे। और जैसा आप जानते हैं कि हमारे जो महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट है गफ्फार कादरी साहब, जो हमारे यानी भिवंडी शहर के अध्यक्ष है खालिद गुड्डू भाई के लिए, उनके लिए यानी शहर में कंटिन्यूसली आ रहे, भिवंडी में लोगों से, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे, उनका हौसला यानी बढ़ाने के लिए कि ऐसे नाजुक मौके पर वो डरे नहीं। तो उसके लिए कंटिन्यूसली उनका एक सर्वे था, वहाँ पर एक मीटिंग कॉल की गई थी सब कार्यकर्ताओं की। वहाँ पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, तो प्रेस वाले भी पहुँच गए कि मीटिंग है, तो उन लोगों ने अपने सवाल जवाब चालू करे। फिर जब वो सवाल जवाब चालू हुए तो वो भिवंडी के ताल्लुक से नहीं पूछ करके पूरे हिंदुस्तान के ताल्लुक से पूछने लगे। यानी एक शहर में अगर कोई आया है बड़ा शहर, पार्टी का लीडर, वो शहर के ताल्लुक से आए तो आप पत्रकार हो, आप शहर के ताल्लुक से सवाल करिए। तो पीछे से कुछ कार्यकर्ताओं ने उनको यानी टोका कि आप यहाँ शहर के लिए, हमारे खालिद भाई के लिए पूछिए, आप वहाँ बिहार के बारे में पूछ के क्या करोगे, आप वहाँ के कलकत्ता के बारे में पूछ के क्या करोगे, हमारी मीटिंग चल रही है, आप आए हो तो आप कम से कम यहाँ के बारे में पूछिए। तो उस पर वो थोड़ा नाराज हो गए कि यानी हम हमारे हिसाब से सवाल नहीं कर सकते तो हम जा रहे, ऐसा कुछ यानी बहिष्कार ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बात सामने आ रही है कि वहाँ एमआईएम के खिलाफ नारे भी लगे, तो क्या ये बात सही है कि कुछ नारे वगैरह एमआईएम के खिलाफ लगे थे? और ये भी बात सामने है कि जो गुड्डू खालिद के समर्थन में जो कार्यकर्ता हैं एमआईएम पार्टी के हैं, वही लोग जो है शायद आप लोग के खिलाफ हो गए थे, ऐसा हुआ था क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। देखिए, वहाँ पर एमआईएम के खिलाफ नारे नहीं लगे, हाँ गुड्डू भाई के फेवर में नारे लगे। खालिद गुड्डू भाई के वहाँ पर काफ़ी यानी पॉपुलरिटी है, काफ़ी फैंस है उनके, काफ़ी चाहने वाले हैं, तो वो लोग थे। तो जब भी कोई हमारे यानी वरिष्ठ बात करते थे, कुछ भी यानी सब स्टेटमेंट देते थे, तो लोग वहाँ पर तालियां बजाते थे और फिर यानी जिंदाबाद के नारे लगाते थे। तो उस तरीके के नारे लग रहे थे, एमआईएम जिंदाबाद, खालिद गुड्डू भाई जिंदाबाद, असदुद्दीन ओवैसी साहब जिंदाबाद, तो इस तरीके के नारे लग रहे थे। नहीं तो ये भी बात सामने है कि जब खालिद गुड्डू अभी जेल में है, आने वाले हैं, तो क्या नया अध्यक्ष बनाया जा रहा था क्या वहाँ पर? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ आए थे कि अभी यानी जब तक खालिद गुड्डू खालिद के जो समर्थक हैं उनका कहना था कि वो तो जनवरी तक आ जाएंगे, तो फिर आप लोग नया अध्यक्ष क्यों बना रहे हैं? नहीं, ऐसी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी मीटिंग कॉल करने के बाद। वहाँ पर देखो, हर शहर में कुछ बदमाश लोग रहते, तो गफ्फार कादरी साहब आए थे प्योरली यानी खालिद गुड्डू के परिवार वालों से मिलने के लिए, वहाँ के शहर में जो कार्यकर्ता है उनसे मिलने के लिए। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा अफवाह फैला दी कि यहाँ पर शायद प्रेसिडेंट का यानी नए प्रेसिडेंट का नाम आने वाला है, तो वो अफवाह के चलते बस यानी लोगों ने वो अपना डाउट क्लियर किया कि आप इसके लिए आएगा, तो उन्होंने बोले नहीं, हम यानी मिलने आए, जब खालिद भाई सबको पता है कि जनवरी में बाहर आने वाले, इंशाल्लाह ताला उनके जो भी केसेस है खत्म हो रहे तो आने वाले, और एक मजबूत यानी प्रेसिडेंट है और खुद यानी एमएलए इलेक्शन के कैंडिडेट है, 44,000 से ज्यादा वोट लिए उन्होंने, लोग उनके यानी साथ जुड़ रहे, तो क्यों ऐसा चेंज करेंगे पार्टी? ऐसा कुछ भी नहीं था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन वो गफ्फार कादरी साहब ने उनके सवालों का जवाब देते हुए दूर कर दी। आप कह रहे हैं कि कुछ पत्रकार थे कि जो भिवंडी शहर से नहीं बल्कि बाहर से जो है कुछ सवाल पूछ रहे थे, बिहार का हो गया या और भी अन्य जगह का हो गया, तो आप वहाँ का भी जवाब दे देते, लेकिन फिर उनसे कह देते कि आप भिवंडी शहर से भी ताल्लुक से सवाल पूछे, इसमें एतराज़ करने की क्या बात थी? नहीं देखिए, इसमें ऐतराज़ नहीं किया गया, हम जो सवाल कर रहे थे गफ्फार कादरी साहब की तरफ से कोई ऐतराज़ नहीं किया गया, पीछे कार्यकर्ता लोगों ने, उन लोगों ने पीछे से कहा जो खालिद गुड्डू के लिए यानी वहाँ पर जमा हुए थे, जो उनके चैनल है, तो उन्होंने कहा, जबकि यहाँ तो हमारे गफ्फार कादरी साहब थे जो भी, तो वो जवाब दे रहे थे, जो भी सवाल हो रहे थे उनके जवाब दे रहे थे, और खुद जब पीछे से उन लोगों ने बोलने लगे तो इन्होंने भी यहाँ से कहा, हम लोगों ने भी कहा कि उनको सवाल पूछने दो और इनको ही जवाब देने दो, आप लोग पीछे से ना बोलो। लेकिन कैसा है कि कुछ देखो, जैसा पत्रकार कुछ जैसे एक सुपारी लेकर आए हुए थे कि यहाँ आए तो माहौल ख़राब करना, उनके सवालात भी उसी तरीके से उल्टे चल रहे थे, और वो अपनी जो मंशा से आए थे उन्होंने वही किया कि बाकी पत्रकारों को भी चलो चलो हम इसका नहीं करना, हमको इंटरव्यू नहीं करना, हमारे मन से सवाल नहीं हो रहा करके ऐसा लेकर के चले गए। बाकी कुछ पत्रकार थे जो उनके जाने के बाद भी रुके थे, प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी उन्होंने इंटरव्यूज़ वगैरह किया,
क्योंकि वो समझते थे कि यानी जो भी यानी पत्रकार ने किया वो अपनी पर्सनल बेनिफिट से यानी पर्सनल इंटरेस्ट से कर रहा है, ऐसा कुछ उसमें पत्रकार तो को नाराज करने वाली बात नहीं थी। तो आप कह रहे पत्रकार को थे जो सुपारी लेकर आए थे, क्या किसके तरफ इशारा कर रहे हैं आपके? सुपारी लेकर नहीं आए थे, यानी कुछ ऐसे अपनी मंशा से आए थे। देखो अपोजिशन तो हर शहर में कोई नहीं चाहता, जयमाई वहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है, तो कोई भी हो सकता है, किसी ने भेजा हो। अब मैं ये मुमरा का रहता तो बता सकता कौन सुपारी थी। नहीं, एक पार्टी और भी ग्रोथ कर रही है वहाँ पर, तो आपका कहाँ इशारा है फिर? मैं मैंने कहा अपोजिशन अब जो भी ग्रोथ कर रही है आप समझिए वही होगी। अब मुझे तो पता नहीं, मैं वहाँ भिवंडी का हूँ नहीं, मैं मुमरा गलवा का आपको बता सकता हूँ, वहाँ के जो लोकल से वो बता सकते कि भाई किसी ने वहाँ पर भेजा होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे, मैं एक अपना अंदाजा और मेरी एक सोच बता रहा हूँ कि शायद वो उसी की वजह से आए थे जी। अभी अगर आप यहाँ के मुमरा के, और मैं इस्लाम भाई को मैं जानता हूँ कि उनका सवाल करने का तरीका कैसा होता है, लेकिन अगर वो उस लाइन से हट करके सवाल कर रहा है एक पत्रकार, समझ में आता है कि ये सिर्फ यहाँ पर फंक्शन को उल्टा करने आए। ये सवाल फंक्शन से रिलेटेड नहीं पूछ रहे, ये सवाल शहर से रिलेटेड नहीं पूछ रहे, अलग अलग सवाल पूछ रहे, और उसमें हर चीज में नेगेटिव, यानी नेगेटिव को देखो सवाल पूछना जा सकता है नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव बनाने की कोशिश करना वो अलग चीज है, तो वो करने की कोशिश कर रहे थे। तो क्या लग रहा है आपको कि कुछ कार्यकर्ताओं को वहां पर कुछ कार्यकारी जो है पद दिया गया गुड्डू खालिद के जगह पर कि ये कार्यकाल संभाल लेंगे यहाँ का, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यही खालिद गुड्डू भाई आने वाले, जब तक आप लोग यानी हौसला रखो, जिस तरीके से हमारी पार्टी वहाँ ग्रोथ कर रही है, आप लोग अभी जैसे काम कर रहे हो वैसे ही करते रहिए, इंशाल्लाह ताला फिर वो आएंगे तो उनके अगुवाई में आगे और अच्छे से काम होगा, और अच्छे से जो भी आने वाले मंथ पर इलेक्शन से जो भी उसमें हम अच्छे से कॉन्टेस्ट करेंगे, ऐसी बातें भी ऐसा कोई गठन नहीं किया गया। अच्छा सर भाई, आप भिवंडी की बात तो कर ली, लेकिन आपकी पार्टी मुमरा में ग्रोथ कैसे करेगी, आप बॉडी क्यों नहीं बना रहे? देखिए बॉडी के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं कि डेली बेसिस पे मैं लोगों से मुलाकात कर रहा हूं शहर के। अब एक संगठन मुझे तैयार करना है, मुझे जिम्मेदारी गई है कि पार्टी को बढ़ाना है शहर में, तो उसके लिए मैं लोगों से मिल रहा हूं। इंशाल्लाह ताला जल्दी यानी महीने भर के अंदर इंशाल्लाह हमारी पार्टी भी यहां पर पूरी बॉडीज डिक्लेयर की जाएगी, और यकीन जानिए कि सिर्फ यानी पेरेंट की बॉडी नहीं, हम वुमेन्स हेल्थ को डिक्लेयर करेंगे, हम यानी यूथ की बॉडी डिक्लेयर करेंगे, हम पूरे पैमाने पर काम कर रहे हैं, और अच्छे से यानी एक अपोजिशन अच्छा स्टेट उतार करके हम इस पर काम कर रहे हैं। शालम भाई, आप क्या कहेंगे, जिस तरह से भिवंडी में पूरा मामला सामने आया, एमआईएम पार्टी का पत्रकारों ने जो है बहिष्कार किया? नहीं नहीं, पत्रकारों ने बहिष्कार नहीं किया। देखिए जो मामला हुआ था, अभी साहब भाई ने जिस तरीके से बताया, तो ये वही चीज है। पत्रकारों ने जब हमारे अध्यक्ष से सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया, बाकायदी से पूरा जवाब देने लगे, लेकिन कुछ लोगों का जो वहां के लोकल लोगों का कहना था कि आप यहाँ का मुद्दे पे बात कीजिए, भिवंडी के मुद्दे पे, सिर्फ इसी बात से नाराज होकर पत्रकार उठ गए, दूसरा और कोई बहिष्कार का या कोई ऐसा मामला नहीं था। और कुछ ऐसा अलग से मामला नहीं हुआ था? ऐसे ये तो कुछ अलग ही बता रहे कि कुछ जैसे सुपारी लेकर आए हुए लोग। तो वही मैंने अभी क्या बताया आपको कि जो अगर उनको ये चीज रहती तो इनको जाने वापस जाने की जरूरत नहीं थी कोई पत्रकार को। पत्रकारिता का मतलब क्या था कि आपके शहर में एक पार्टी का अध्यक्ष आ रहा, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आ रहा, तो आपको उनके बारे में उनसे सवाल, यहाँ के स्थानीय उस पर सवाल करना चाहिए था, भिवंडी के इलेक्शन से या भिवंडी में जो इनकी हमारी पार्टी है उस मुद्दे पर सवाल करना चाहिए, ना कि दिल्ली और कलकत्ता और बिहार के ऊपर से। तो यही बात होने की वजह से जब वहां के लोकल लोगों ने ये कहा कि नहीं भिवंडी के शहर जो मुद्दा है उस पे बात की जाए। बताया जा रहा है कि जो वहां पर मीटिंग हुई उसमें पत्रकारों का बैठने का बंदोबस्त नहीं था, सब लोग खड़े थे, कुछ आप लोगों ने इंतजाम नहीं किया सही? नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, गलत बात है। पूरा एक होटल का हॉल है, तो आप समझिए हॉल अगर कोई होटल का लिया गया तो जाहिर सी बात है उसमें कुर्सी वगैरह रहेगी। आप पब्लिक ज्यादा थी, ये है पब्लिक ज्यादा हो गई थी, उसकी वजह से कुछ लोग नीचे थे, बाकी कुर्सियां में बैठे थे, जो कई सा जो बड़े इनके जितने सीनियर वो पत्रकार थे कुर्सी में बैठे थे। आप देख सकते हो अगर उन लोगों की वीडियो होगी आपके पास तो देखिए, बैठ के पत्रकार कुर्सी में बैठ के सवाल कर रहे थे, ना कि जमीन पे दो चार जो बैठे थे एकदम जो एकदम नजदीक बैठ के लेना चाह रहे थे वो इधर थे, बाकी सारे तमाम लोग कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो आपने सुना कि जिस तरह से सैफ पठान और शाह आलम ने बताया कि कार्यकर्ता मिलावा था, लेकिन जिस तरह से वहाँ ये पूरी घटना सामने आई कि पत्रकार जो है वो कुछ अलग से सवाल कर रहे थे, जो पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा कि आप शहर के ताल्लुक से जो है सवाल करिए, बस यही मामला था। उसके बाद वहाँ के पत्रकारों ने एमआईएम पार्टी का जो है बहिष्कार करना शुरू कर दिया। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।